Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Dare or Six Where Truth Always Exposes Darkness. तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है आपके लिए क्या अबंडेंस, क्या ब्लेसिंग्स, क्या मिरेकल्स, क्या गुड विशेस डेफिनेटली आ रहे हैं और क्या आपको जानने की ज़रूरत है. सो व्हाट यू नीड टू नो दैट इज़ कमिंग फॉर यू. ठीक है, सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडियक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshna1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. यहाँ पे हम क्यूब्स को देखेंगे और उसके आधार पर हर एक कार्ड को वेरीफाई किया जाएगा. ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट यू नीड टू नो दैट इज कमिंग फॉर यू. आपको क्या जानने की जरूरत है जो आ रहा है. सो हम एक एक करके यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं. सो पाइशेस यहाँ पे देखो, आज तो जिस दिन भी आप देखोगे, एनीवे इट विल हैपन आफ्टर द न्यू मून इन पाइशेस. सो यहाँ पे कुछ इस तरह से इंडिकेशंस तो मिल ही रहा है. सो यहाँ पे फर्स्ट है, यहाँ पे हमारे पास है सन. सो सन जनरली रिप्रेजेंट करता है कि डार्कनेस को अवॉइड करना है एंड डेफिनेटली आपके लिए रोशनी, आपके लिए एनलाइटनमेंट आप बोल सकते हो. कोई ऐसी जगह, ठीक है, आप जा सकते हैं जो पहले कोई नहीं गया है. आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है उस जगह पे. दूसरा चीज़ है, कुछ अंधेरा वाला जगह था जहाँ पे कुछ क्लैरिटी आपको नहीं मिल रहा था, वो जगह, वो चीज़ सॉल्व हो सकता है. दूसरा चीज़ है, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड, ठीक है, आप एप्लीकेशन तो ऑलरेडी दिए थे लेकिन आपका कोई रिजल्ट अभी तक आपको नहीं मिल रहा है, कुछ देर और आप रुक सकते हैं. ऑफ कोर्स आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा. यहाँ पे कुछ हद तक मैं देख पा रही हूँ बहुत सारे लोग सिलेक्शन क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं. कुछ लोग के लिए अगर आपके इंडिया आपके मदरलैंड है, आपकी मातृभूमि है, तो हो सकता है कि यहीं पे आपकी जॉब, यहीं पे आपके सेटलमेंट हो. और कुछ लोगों के लिए अगर आप बाहर रहते हैं, सो इंडिया कैन बी योर नेक्स्ट डेस्टिनेशन. ठीक है, सो हो सकता है कि आप इंडिया से बाहर रहते हैं बट इंडिया को आप बहुत अच्छा से चाहते हैं एंड डेफिनेटली यू विल कम बैक. दूसरा चीज़ है, आपका ट्रैवलिंग हो सकता है बाई फ्लाइट. ठीक है, सॉरी. यहाँ पे सैटेलाइट्स यहाँ पे मुझे दिख रहा है. सो कोई स्पेस रिसर्च रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन पे आपकी हो सकता है कि वहाँ पे आपका इंटरेस्ट बढ़े. कुछ और डीप आपको जाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा रहस्य आपको पता चलेगा. यहाँ पे देखो टाइम है, सो समय का उपयोग ज़रूर कीजिएगा. यहाँ पे भी मुझे साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस पे या साइंस रिलेटेड आप स्टडीज करने वाले हैं. दूसरा चीज़ है, आपके जो एस्पिरेशंस है, आपके जो विशेस है, आपके जो डिज़ायर्स है, वो पूरी तरह से मैनिफेस्ट होने का संभावना यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है. पैराशूट आप जानते ही हो, इट विल लिफ्ट योर सोल. ये आपके जो आत्मा है, ठीक है, इसको एक हायर लेवल तक लेके जा रहा है. सो कहीं ना कहीं पे यू विल ड्रीम बिग, यू विल अचीव बिग. तो बहुत सारे कुछ यहाँ पे मुझे लग रहा है दैट यू नीड टू नो कि स्पेसिफिकली आप को जानने चाहिए कि ये जो चीज आ रहा है वो क्यों आ रहा है. ठीक है, नाउ व्हाई द सन इज देयर. यहाँ पे सन क्यों है, व्हाई द सन इज देयर. व्हाई द सन इज देयर. सो क्वीन ऑफ कप्स, जिस तरह से मैंने आपको कहा कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो यहाँ पे लियो हो सकता है. सो आई डू फाइंड कि आपको ऐसे सोल पार्टनर की तलाश था या अभी भी है जहाँ पे योर सोलमेट हो, कि आप ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा केयरिंग होंगे, नर्चरिंग होंगे, डेफिनेटली वार्म हार्टेड. जिस तरह से बोला जाता है ना कि बहुत ज़्यादा कर्सी उनमें होगा, आदर सत्कार लोगों को बहुत ज़्यादा करते हैं. ठीक है, एंड डेफिनेटली काफ़ी सेंसिटिव भी हो सकता है लेकिन पंक्चुअल होंगे.
डेडिकेटेड होंगे जो एक ट्रू सोलमेट, सन मतलब सोलमेट, ठीक है। तो सोलमेट के अंदर आपको जो जो गुण चाहिए था, जो जो क्वालिटीज आपको चाहिए था, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आप ऐसे प्रायोरिटी में रख रहे थे, सो ऑफकोर्स इट विल कम बैक टू यू। सो वाई इंडिया, वाई द मदरलैंड इज शोइंग, यहाँ पे बहुत सारे लोग ही ऑफकोर्स इंडिया से है, बाहर से भी हो सकता है, मे बी यू वॉन्ट टू कम फॉर ट्रेवलिंग, देख लेते हैं। यस, आपको बहुत ज़्यादा एडिक्शन है, आपको बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी फील होता है, द डेविल इज ऑल अबाउट कनेक्टिविटी, कनेक्शन फील होता है आपको, आपको आज़ादी चाहिए। एंड आई डोंट नो आई व्हाट आई फेल्ट इज लाइक दैट, हो सकता है कि आपके पूर्वज पैट्रियटिक हो, एंड डेफिनेटली वो लोग हो सकता है कि फ्रीडम फाइटर्स रह चुके हैं, एंड हो सकता है कि आपको अपने देश में से बाहर जाना है, एंड डेफिनेटली आप वहाँ पे जाके कुछ और कर दिखाना चाहते हैं। एंड आई डू फाइंड विद द डेविल, क्योंकि हमारे जो इंडिया है उसका जो राशि है, ठीक है, वो भी कैप्रिकॉन है, सो डेविल इज ऑल्सो ऑल अबाउट कैप्रिकॉन साइन, आपको शायद पता नहीं था, हो सकता है कि कुछ हिडन सीक्रेट्स आपको पता चले और वो आपको अपने मातृभूमि में आके ही पता चलेगा। अगर आप बाहर स्टे कर रहे हैं सो मे बी जब आप अपने देश में आएंगे तब आपको पता चलेगा कुछ हिडन सीक्रेट्स, और आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील होता है, आपको बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन फील होता है अपने देश से जुड़े हुए बहुत सारे घटनाओं से, आप आदत आपका पड़ चुका है, सो दैट्स वाई यू आर मच मोर पोजेस्ड, आप मच मोर यू कैन से ओवर पोजेसिव अबाउट योर कंट्री, दैट्स गुड, दैट्स गुड। वाई द फ्लाइट इज देयर, अभी देखो ये इंडिया का मैप है, लेकिन कोई भी मैप हो सकता था, ठीक है, बट जो भी है आप अपने देश के लिए बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पॉजिटिव है। ऑफकोर्स फ्लाइट क्यों है, आपकी कल्पना, यहाँ पे फ्लाइट मतलब ही होता है स्काई, ओके, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या है ना, आप यहाँ पे देखो, आप यू आर बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर, आपका बहुत बड़ा एम्बिशन है, ड्राइव है, आपको और करके दिखाना है, आपकी बहुत सारे चॉइसेस आ सकते हैं, चॉइसेस में आपको कोई पर्टिकुलर कंट्री भी हो सकता है कि आप पर्टिकुलर कंट्री में जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको मौका नहीं मिल रहा है, आपके पास ऑप्शंस तो है लेकिन आप कंफ्यूजन पे है, तो जल्द से जल्द आपको फैसला लेकिन लेना पड़ेगा, दैट यू ऑल्सो नीड टू नो, मे बी आपके पास चॉइसेस आएंगे बट यू नीड टू नो दैट। वाई द सैटेलाइट, वाई द सैटेलाइट इज देयर, सैटेलाइट क्यों है, सैटेलाइट मतलब ही होता है सिग्नल्स एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, यस। फोर ऑफ कप्स, जनरली आपके पास जो है आप उसमें ही सेटिस्फाइड है, आप किसी और ऑफर को लेना नहीं चाहते, मे बी आपके लिए बहुत बड़े ओवरसीज से जॉब कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफर्स आ सकते हैं बट यू आर नॉट ईगर टू टेक, क्योंकि आप अपने ही तीन ऑप्शंस में काफ़ी बिजी हो, सो अगर ये ऑप्शन आपके लिए आ रहा है यू शुड कंसिडर दिस, ठीक है, आपको कंसिडर करने चाहिए। वाई द फिश इज देयर, फिश हमेशा डेप्थ का माना जाता है और आपको गहराई से जानना है, अबंडेंस का भी प्रतीक होता है फिश, सो लेट मी सी, मेनी ऑफ यू आर फॉन्ड ऑफ फिश, मे बी आप लोग कोस्टल एरियाज में रहते हैं, कुछ लोग के लिए तो ऐसा होगा, यस, फिश ऑफकोर्स, यहाँ पे क्या है, डेप्थ ऑफ द रिलेशनशिप, दिस इज द टू ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, यहाँ पे डेप्थ आपके जो संबंध है उसके जो और गहराई में आप पहुँचोगे और एक दूसरे को आप प्रेफर करोगे और एक दूसरे को पसंद करोगे और आप एक दूसरे में खो जाओगे, ठीक है, सो इट इज रिटन। एंड बहुत सारे साइंटिफिक इक्विपमेंट्स क्यों आ रहे हैं, बहुत सारे साइंटिफिक इक्विपमेंट्स, जैसे होता है ना कि डाइविंग में जाने के समय में या स्पेस में जाने के समय में, ये सब इक्विपमेंट्स क्यों आ रहे हैं, व्हाई दिस इज कमिंग, कुछ लोगों के लिए आपका सिलेक्शन बहुत बड़े नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस में हो सकते हैं, मैं आपको बता रही हूँ,
ठीक है, मून सैटेलाइट मून में भी जाता है, राइट। स्पेस में लोग मून में भी ऑलरेडी जा चुके हैं। सो द मून इज ऑल अबाउट द इमोशनल मैटर्स, ठीक है। एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड कि आपको, और यहाँ पे देखो स्पेस में लोगों को क्यों भेजा जाता है, ताकि और वो हिडन इन्फॉर्मेशन लेके आए जो हम इस पृथ्वी में बैठ के नहीं जान सकते, वो लोग वहाँ से कलेक्ट करके इन्फॉर्मेशन को लेके आते हैं। द मून इज ऑल्सो ऑल अबाउट द हिडन एनर्जी, ठीक है, रहस्य गहराई। और आज पूरा चीज़ जो मैंने यहाँ पे देखा है ना, कि आपको और जैसे होता है ना कि समंदर के नीचे जाएंगे तो और कुछ क्रीचर्स और बहुत सारे एनिमल्स को हम देख पाएंगे, प्लांट्स को हम देख पाएंगे, जान पाएंगे, उनकी स्पीसीज को हम देख पाएंगे। तो जितना आप मन की गहराई में जाओगे उतना ही आपको रियलाइजेशन होगा कि आप कहाँ पे हो, दुनिया कहाँ पे है और आपको क्या करना है। यहाँ पे देखो फ्रूट आया है। सो फ्रूट मतलब क्या है, ड्रीम्स फुलफिल्ड, जो भी प्रोजेक्ट्स आपने हाथ में लिया था वो सफलता होना, आपकी मैच्योरिटी स्टेज पे पहुँचना, कुछ लोगों के लिए आपके एम्बिशंस फुलफिल होना। सो लेट मी सी फ्रूट क्यों आया है यहाँ पे। देखो द सन, वही मैंने आपको बताया कि आप लीडर, ओके, लीडरशिप रोल्स के लिए आप काफ़ी परफेक्ट है। एंड डेफिनेटली जिस तरह से अगर सन नहीं होता है ना, अगर सूरज नहीं होता है तो फल भी नहीं पकता है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे एसोसिएशन ऑफ सनलाइट इज़ नेसेसरी। और आपका तरक्की, आपका प्रॉस्पेरिटी, आपका वेल्थ, आपका चाइल्ड, बहुत ज़्यादा आपने जो भी एम्बिशंस रखे थे, मैनिफेस्टेशंस, ये सब पूरा होगा, ठीक है। सन इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, और सन एंड द मून इट्स अ सोलमेट एनर्जी। व्हाई दिस पैराशूट इज देयर, इतना खूबसूरत मैंने सोचा भी नहीं था कि इस तरह से आएगा। व्हाई दिस पैराशूट एनर्जी इज देयर, यस। देखो आपके सोल अपलिफ्टमेंट यहाँ पे भी है, सिक्स ऑफ कप्स। किसी के साथ ऐसे मुलाकात करना जहाँ पे वो आपको लगेगा ही इन द फर्स्ट मीटिंग, यस दिस इज माई सोल पार्टनर। एक स्ट्रांग वाइब्रेशन आपको फील होगा, कोई नेगेटिविटी आपको फील नहीं होगा, और आपको लगेगा कि आप लोग एक दूसरे में खो जाएंगे। दूसरा चीज़ है आपका दिल, जैसे बोला जाता है ना, खुश रहते हैं तो पैराशूट में जैसे घूमने का मन होता है कि आई एम फीलिंग मोर लाइटर, आई एम लाइट, आई एम वेरी लाइट। तो किसी को मिलने के बाद हैवी इमोशंस आ जाते हैं, और कुछ लोगों को मिलने के बाद बहुत ज़्यादा लाइट फील होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लाइट एनर्जी, रिफ्रेश एनर्जी, जहाँ पे किसी के साथ आपका मुलाकात होने के बाद बहुत ही ज़्यादा आप फील करोगे, यस दिस इज इट, यही तो मैं चाहता था, यही तो मैं चाहती थी। यहाँ पे एक स्ट्रांग सोल बॉन्डिंग आ रहा है आपके लिए, जिसको आपको जानना ज़रूरी है। वो इंसान बहुत ही ज़्यादा हम्बल होंगे, केयरिंग होंगे, बट कभी कभी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा डोमिनेंस भी दिखाए। ये देखो क्वीन ऑफ कप्स से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे भी है। सो मदरली नेचर जो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेंगे, माँ को हमेशा, जिस तरह से होता है ना गाय, गाय क्या है कि बहुत प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है। सो गाय हमें दूध भी देते हैं, तो कहीं ना कहीं पे नर्चरिंग एनर्जी तो है, लेकिन गाय का जो सिंह है उससे वो किसी को भी मार भी सकता है। सो माँ हमेशा अपने चाइल्ड के लिए प्रोटेक्टिव रहेंगे, उसी तरह से आपके पार्टनर होंगे जो आपके फैमिली के लिए और खुद के लिए भी और आपके लिए भी प्रोटेक्शन ऑफ कोर्स देंगे। देखो डुअल डुअल पार्टनर्स फोर ऑफ एंड्स लाइक कंडीशन, कहीं ना कहीं पे मैच्योरिटी की तरफ आप जितना बढ़ रहे हो, कुछ लोगों के लिए लेट मैरिज हो सकता है आपके चार्ट में है, इसलिए आपकी शादी जो है वो फिक्स होने ही वाली है, बट मे बी विद इन फोर मंथ्स फोर वीक्स हो सकता है कि यस इट वुड बी डेफिनेटली पॉसिबल, ठीक है। और आपको इजीली पता चल जाएगा आपको मुखौटा के पीछे जो रियल जो तस्वीर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये इंसान कौन है। कुछ लोगों के लिए क्लैरिटी नहीं है, लेकिन आपको मिल जाएगा क्लैरिटी। देखो यू आर जस्ट सेटिंग योर फूट, दिस इज लाइक द फूल कार्ड, बट कहीं ना कहीं पे आप ईस्ट के तरफ जा रहे हैं, आप यहाँ पे जा रहे ईस्टर्न कंट्रीज में भी।
साउथ ईस्ट एशिया, दैट्स वाई इंडिया यहाँ पे ही आता है। सो आपका मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे, आप एक जगह पे नहीं रह रहे हो और काफ़ी कुछ एक्सप्लोर कर रहे हो, ठीक है, बहुत नया कुछ सीख रहे हो और एक्सप्लोर भी कर रहे हो। मे बी विल बिकम अ ट्रैवल ब्लॉगर और समथिंग लाइक दैट, इस तरह से मुझे दिख रहा है। ट्रैवल आपकी बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, सो दिस इज़ वॉट यू नीडेड टू नो, दैट्स वाई आई टोल्ड यू कि ये रीडिंग आपको लास्ट तक देखना है कि उसमें जो भी आया है मैंने उसको सही तरह से वेरीफाई किया है। पसंद लगा है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड डू क्लेम इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू अ लॉट एंड टेक केयर, थैंक यू।